सो ऑलराइट गाइस, आज जो है हम अल्ट्रा फेस स्मूथ करने वाले हैं, वो भी दो एप्लीकेशन से, लाइटरूम एंड रिमिनी। लाइटरूम जो है कलर ग्रेडिंग एंड फेस स्मूथ के लिए, रिमिनी क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। सो गाइस, पहले जो है अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों के पास लाइटरूम एप्लीकेशन नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लाइटरूम ओपन हो जाने के बाद जो प्लस वाला आइकन पर चले जाना है। देन अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो है अपना फोटोज पर क्लिक कर लेना है। फोटोज पर क्लिक कर लेने के बाद जो लाइट वाला टूल पर क्लिक कर लेना है। देन एक्सपोजर को 0:10 कर लेना है। कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा सा माइनस कर लेना है। फिर जो है हाईलाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। देन व्हाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। ये कर लेने के बाद जो कलर वाला टूल पर चले आना है। देन मिक्स टूल पर क्लिक कर लेना है। मिक्स टूल पर क्लिक कर लेने के बाद जो है अपना कैरेक्टर का फेस जो है थोड़ा सा डार्क है, उसे जो है वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। वाइट करने के लिए जो ऑरेंज कलर पर चले आना है। देन सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर लेना है और ल्यूमिनेंस को जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है, 56 तक। फिर जो है ग्रीन कलर पर चले आना है। देन सैचुरेशन को फुल्ली माइनस कर लेना है। येलो कलर का भी जो है सैचुरेशन फुल्ली माइनस कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ से डन कर लेना है। यहाँ से डन कर लेने के बाद इफेक्ट्स वाला टूल पर चले आना है। टेक्सचर को जो है 20 तक माइनस कर लेना है। क्लियरिटी का भी जो है थोड़ा सा माइनस कर लेना है 20 तक। फिर जो है नीचे से ले आना है। देन DS जो है 4 कर लेना है। कर लेने के बाद जो डिटेल पर चले आना है। शार्पनिंग को जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, थोड़ा सा 5 तक। फिर जो है रेडियस को जो है 1.20 तक कर लेना है। मास्किंग को 50 तक कर लेना है, 50 या 40। फिर जो नॉइस रिडक्शन को 40 तक कर लेना है। फिर जो है अपना फोटो को जो है गैलरी पर सेव कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो गाइस, हमारा फोटो जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद जो है यहाँ से बैक कर लेना है। बैक कर लेने के बाद जो है रिमिनी एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। रिमिनी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए जो है अपना नेट खुला हुआ होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास रिमिनी एप्लीकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। रिमिनी एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद जो है अपने फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने लाइटरूम पर एडिट किए थे, ठीक है। फिर जो है अपना फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है। देन इनहेंस पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस, यही तक थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। देख सकते हो गाइस, हमारा फोटो जो है बिल्कुल HD क्वालिटी में आ चुका है। थैंक यू।